ऑस्ट्रेलिया के इस गेंदबाज ने ऋतुराज को क्रिकेट की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया, और इसी के साथ ऋतुराज को 31 नंबर की जर्सी पहनने के पीछे का राज क्या है, इन सब की बात आगे वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऋतुराज गायकवाड़ का जन्म 31 जनवरी 1996 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में दशरथ और सविता गायकवाड़ के घर हुआ था। दोस्तों, उनके पिता DRDO में काम करते हैं और उनकी माँ नगर पालिका स्कूल में टीचर है। ऋतुराज दोस्तों 5 साल के थे तब से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। ऋतुराज कहते हैं कि परिवार ने कभी भी ज़्यादा पढ़ने या कम क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बोला। तो इनके क्रिकेट से जुड़ा उनके बचपन का एक इंटरेस्टिंग किस्सा, जब वे 5वीं कक्षा में थे तो उनकी एक बड़ी सी तस्वीर अखबार में छप गई थी। जब वे स्कूल गए तो प्रिंसिपल ने क्लास में पहुंचकर ऋतुराज को खड़े होने के लिए कहा। ऋतुराज को लगा कि मैंने कोई गलती कर दी, क्या उन्हें मार पड़ी? नहीं, दरअसल हुआ यूं कि बाद में प्रिंसिपल ने ऋतुराज का नाम लेकर बताया कि ऋतुराज के बेहतरीन प्रदर्शन पर पूरे स्कूल को गर्व है। जून को दोस्तों ऋतुराज ने महिला क्रिकेटर उत्कर्षा पवार से शादी कर ली। उत्कर्षा पवार महाराष्ट्र सीनियर महिला टीम से खेलती है। वर्तमान में दोस्तों ऋतुराज IPL के सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज को महेंद्र सिंह धोनी की जगह टीम का नया कप्तान चुन लिया है। ऋतुराज के क्रिकेटर बनने की शुरुआत 2013 में पुणे के नेहरू स्टेडियम में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। इस दौरान ऋतुराज भी ब्रेंडन मैकुलम और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को स्कूप शॉट मारते देख रहा था। दोस्तों, इस शॉट ने ऋतुराज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि क्रिकेटर बनने की ठान ली। मात्र 13 साल की उम्र में ऋतुराज ने पुणे स्थित पेरोक दिलीप वेंगसरकर क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर ली। यहाँ अलग अलग कोचों ने उन्हें तराशा और बेहतर बनाया। दोस्तों 2015 में महाराष्ट्र के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपने साथी विनय के साथ मिलकर 522 रन की पार्टनरशिप करी, जिसमें 306 रन अकेले ऋतुराज ने बनाए थे। टीम के साथी ऋतुराज को शानदार क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए रॉकेट राजा के नाम से बुलाते हैं। चीन में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में ऋतुराज की कप्तानी में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। एक इंटरव्यू में ऋतुराज ने बताया कि वे ऋतुराज ने स्टेडियम से लेकर बस तक के लिए देरी से पहुंचते थे, ऐसे में 2024 में उनका संकल्प समय पर पहुंचना होता है। ऋतुराज सबसे युवा खिलाड़ी बन गए ऑरेंज कैंप जीतने वाले। दोस्तों ऋतुराज की कुल संपत्ति 36 करोड़ रुपए हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। ऋतुराज को आपने हर मैच में 31 नंबर की जर्सी पहने तो देखा ही होगा। दरअसल उनका 31 जनवरी को उनका जन्मदिन आता है, इसलिए उन्होंने 31 नंबर की जर्सी पहनने के लिए कहा था। ऋतुराज के क्रिकेटर बनने की शुरुआत 2013 में पुणे के नेहरू स्टेडियम में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। इस दौरान ऋतुराज भी ब्रेंडन मैकुलम और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को स्कूप शॉट मारते देख रहा था। दोस्तों इस शॉट ने ऋतुराज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि क्रिकेटर बनने की ठान ली। मात्र 13 साल की उम्र में ऋतुराज ने पुणे स्थित पेरोक दिलीप वेंगसरकर क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर ली। यहाँ अलग अलग कोचों ने उन्हें तराशा और बेहतर बनाया। पुणे के क्रिकेट कोच मोहन जाधव को आज भी वह दिन याद है जब जाधव ने एक 13 साल के बच्चे को ड्रेसिंग रूम के पीछे बैठकर रोता हुआ देखा। वे और कोई नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ थे, जिनका सिलेक्शन महाराष्ट्र क्रिकेट के अंडर 14 कप के लिए नहीं हुआ था, जबकि दोस्तों उसके पहले लीग मैच में ऋतुराज ने 7 शतक जड़े थे। मोहन ने गायकवाड़ को शांत करते हुए कहा कि अगर वे अगले मैच में अच्छे रन बनाएगा तो महाराष्ट्र की टीम में खेल सकता है, और ऋतुराज ने 182 रन जड़ दिए। ऋतुराज ने 19 साल की उम्र में 2016-17 में रणजी ट्रॉफी के लिए महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। ऋतुराज ने इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया ब्लू, महाराष्ट्र और इंडिया अंडर 23 के लिए क्रिकेट खेला। ऋतुराज ने दोस्तों साल 2019 में खेली गई माइक ट्रॉफी के लगातार 4 मैचों में 4 शतक जड़ दिए। दोस्तों ऋतुराज ऐसे ही 2022 की विजय हजार ट्रॉफी में UP के खिलाफ 1 ओवर में 7 छक्के लगाए थे, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। आपको बता दूं कि इस ओवर में 1 नो बॉल थी। ऋतुराज ने 2021 में T20 और 2022 में भारतीय वनडे टीम के लिए डेब्यू किया था। इसके साथ ही ऋतुराज को सबसे पहले 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख रुपये में खरीद लिया था, फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हालांकि दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब स्कूल ने ऋतुराज को पढ़ाई और क्रिकेट में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था। बैंक सरकार एकेडमी में कोच रहे संदीप चौहान ने कहा कि ऋतुराज अपने विचारों को लेकर बेहद स्पष्ट है। ऋतुराज ने अपने पेरेंट्स से सीधे कहा कि मैं को अपना करियर बनाना चाहता हूं, क्योंकि ऋतुराज को लगता है कि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूं। दोस्तों ऋतुराज के दोस्त बताते हैं कि गायकवाड़ बेहद शर्मेले हैं, यहाँ तक कि ऋतुराज ने अपने अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स के बारे में भी बात करते हुए शर्माते हैं। दोस्तों क्रिकेट के अलावा खाली समय में ऋतुराज को गोल्फ खेलना, संगीत सुनना और बाहर घूमना पसंद है।